तो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, मुझे सिर्फ ये बताओ अगर टेम्परेचर किसी भी बॉडी का बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी का क्या होगा, बढ़ेगी कि कम होगी? अच्छा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़े, टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपेंशन होती है, वॉल्यूम बढ़ता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ता है। मास कभी भी चेंज नहीं होता किसी भी बॉडी का, तो जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो अगर किसी भी बॉडी का वॉल्यूम बढ़ता है, मास कांस्टेंट है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो याद रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी घटती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो डेंसिटी कितनी घटती है, नई डेंसिटी क्या होगी, ये कैलकुलेट करके मुझे बताना है। तो क्या करना है, सबसे पहले सीधा फॉर्मूला लिखेंगे। जो वॉल्यूम ओरिजिनल मान लो वी था किसी बॉडी का, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेल्टा टी, वॉल्यूम कितना हो गया, वी डैश हो गया। तो वी डैश की वैल्यू इज वी इंटू वन प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। ठीक है सर, तो वी की वैल्यू एम बाई रो, वी की वैल्यू वॉल्यूम इज मास बाई डेंसिटी, है ना, मास तो सेम ही है। तो डेंसिटी पहले क्या थी, रो, जब वॉल्यूम क्या था, वी, और अब डेंसिटी कितनी हो गई, वी डैश। मास तो सेम है, डेंसिटी क्या हो गई, रो डैश। तो नई डेंसिटी रो डैश, ओरिजिनल डेंसिटी रो, एम से एम क्या हो गया, कैंसल। तो कैंसल होके रो डैश एक तरफ, रो एक तरफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये रो डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाएं, रेज टू पावर क्या हो जाएगा, -1। और मैथ के लोग जानते हैं बाइनोमियल, क्योंकि गामा बहुत छोटा है, ये 1 है। बाइनोमियल का रिजल्ट क्या कहता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। अपने फॉर्मूला बुकलेट में ये नोट करें कि नई डेंसिटी इज ओरिजिनल डेंसिटी रो इंटू 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। वॉल्यूम में प्लस होता है, डेंसिटी में माइनस होता है। क्लियर है? आपकी ऑब्जेक्टिव बुक्स ऐसे भी यूज करती हैं ये रिजल्ट, प्लीज ये भी नोट करें, फिर ये नोट करें, और फिर फाइनली ये नोट करें। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी बुक्स ये फॉर्मूला भी लगाती हैं, एक ही बात है फिर। लेकिन जो बुक्स ये फॉर्मूला लगाती हैं उसमें स्टेप ऑफ बाइनोमियल दिखाती भी हैं, जरूरत ही नहीं है, सीधा एंड रिजल्ट यूज करो विद बाइनोमियल यूज, जब बातें खत्म हो गई। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो डेंसिटी का रिजल्ट समझ में आ रहा है कि कैसे डिक्रीज होगी, ये समझ में आना चाहिए।